देता है दस गुनाहों से हम बताने आए हैं। अल्लेलुया 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 मैं जी उठा और तेरे साथ हूं, तूने मुझ पर अपना हाथ रखा है, तेरा विधान अपूर्व है। अलेलुया। प्रभु सचमुच जी उठे हैं, अलेलुया। उनकी महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त का पर्व हम सभी को यही संदेश देता है कि हमारा जीवन इस धरती पर एक यात्रा मात्र है। हम सबको हमारे घर, स्वर्गीय पिता के घर पहुंचना आवश्यक होता है और उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, उसके अनुसार जीवन भी बिताना है। जो रास्ता हम चुनते हैं वही तय करता है कि हम किस प्रकार पिता के घर तक पहुंच पावे या हम रास्ता भटकते हुए उस पाताल तक पहुंच जाए। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार वे इस दुनिया में जिए थे, साथ ही साथ किस प्रकार उन्होंने दुख सहा हम सबों के लिए, और आज के दिन वे महिमान्वित पुनर्जीवित होते हैं और पिता के यहाँ पहुंचते हैं। वे हम सबको राह दिखा चुके हैं और अभी हमारी बारी है कि हम किस प्रकार जीवन बिताते हुए उस रास्ते में जा पावे। आइए, जब कभी हम अपने पापों के कारण रास्ते भटक गए हो, उन क्षणों के लिए हम प्रभु ईश्वर से माफी मांगे। हम अनेक समय दूसरों को अपने शब्दों द्वारा दुख पहुंचाई है, हमारे सगे संबंधियों को पर विश्वास नहीं किया, उनके बात पर हम कभी कभी गुस्सा हुए, हमारे परिवार में एकता नहीं बना रहा, उन क्षणों के लिए हम माफी मांगे। आइए, हमारे सब पापों को स्वीकार करते हुए हम पिता परमेश्वर से तथा एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया तेरी करुणा
करो दया करो प्रभु हे मेरे नाथ कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो जन को स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को हम तेरी प्रशंसा करते हैं धन्य तुझे हम कहते हैं तेरी आराधना करते शांति सुजन को हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है इकलौते पुत्र यीशु कृष्ण है तेरा गुणगान करते हैं स्वर्ग में महिमा परमेश्वर पर शांति सुजन को जगत का पाप तू हर लेता है हम पर दया तू कर दे पिता के दावे विराजमान हमारी विनती सुन ले स्वर्ग में महिमा परमेश्वर के हो भू पर शांति सुजन को तू ही पावन तू ही प्रभु है तू ही पवित्र आत्मा के संग पिता की महिमा सर्वपरि है स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को हम प्रार्थना करें हे ईश्वर तेरे पुत्र ने मृत्यु को पराजित कर आज हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान के महोत्सव मना रहे हैं तेरे आत्मा से नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए हम फिर जी उठे ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं आमीन पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 वचन संख्या 34 37 लेकर 43 तक पेद्रोस ने शतपति और उसके परिवार से कहा नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार योहन ने किया था ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे क्योंकि ईश्वर उनके साथ था उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश
और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं के लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उनके साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उन्हें साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। वजन अनुवाक्य आपका अनुवाक्य होगा, यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अलेलुया, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य, ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज आनंदित होकर अनंत मनाएं। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अनुवाक्य, ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारे दृष्टि में अपूर्व है। अनुवाक्य, यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर अनंत मनाएं। दूसरा पद कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। यदि आप लोग मसीही के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दहने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहे। आप पृथ्वी पर ही नहीं ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीही के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीही की ही आपका जीवन है। जब मसीही प्रकट हो गए तब आप भी उनके साथ महिमाविंद होकर प्रकट हो जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, हालेलुया। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 20 वाक्यांश 1 से लेकर 9 तक। मरियम मगदलीना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा दी गई है। उसने सीमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा,
वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहां रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दौड़े दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिचेल कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि चलती की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा हुआ था वह पट्टियों से के साथ नहीं, बल्कि तय किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ था। तब दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का यह लेख नहीं समझ पाए थे जिसमें जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पाते हैं सुसमाचार में मरियम मदलीना किस प्रकार तड़के मुंह अंधेरे ही प्रभु यीशु के शव को लेपन करने चले जाती है। प्रभु यीशु के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है। और जब वह डर के मारे इन दोनों शिष्यों के पास आकर कहती है, वे शिष्य दौड़े निकलते हैं, एक को पिचेल कर दूसरा आगे दौड़ते हैं प्रभु से मिलने की लालायत। और जब वे दोनों अंदर आकर देखते हैं, वे देखते ही विश्वास करते हैं प्रभु के वचनों पर विश्वास, और आगे जाकर वे दूसरों को भी बतलाते हैं। प्रभु से प्रेम करना, प्रभु से मिलने दौड़े चलना और जीवित प्रभु यीशु के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना, यही हर क्रिस्तीय की अहम कार्य है। इसी कार्यों को अपनाते हुए आइए हम अपने विश्वास का प्रमाण दें। हम थोड़ी देर मौन होकर उस दिन को याद करें, भले ही हमें याद नहीं होगा कि किस प्रकार हम अपने धर्म माता पिता और माता पिता के साथ गिरजाघर में आकर बपतिस्मा ग्रहण किए। उस बपतिस्मा के दौरीकरण अभी हम करेंगे, वो प्रतिज्ञाएं फिर हमारे दिल में जो छुपी हुई है वो बाहर आए, ताकि हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु के शिष्य बन सके। क्या आप लोग पाप का परित्याग करते हैं कि ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का स्वतंत्र जीवन बिता सके? जी हाँ, मैं करता हूं। क्या आप लोग बुराई के प्रलोभन का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूं। क्या आप लोग शैतान का, जो पाप का मूल और कलनायक है, परित्याग करते हैं? जी हाँ, करते हैं। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकलौते पुत्र और हमारे प्रभु है, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं। क्या आप लोग पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के सहभागी, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमको जल और पवित्र आत्मा द्वारा नया जीवन और हमारे पापों की क्षमा दी है। वही अपनी कृपा द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त में सुरक्षित रखे। आमीन।
अभी हम विश्वासियों के निवेदन पढ़ेंगे। हमारा प्रत्युत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित गण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें, जो ख्रिस्त विश्वासियों की देखभाल करते हैं। प्रभु का आत्मा उनके कामों में सहायता प्रदान करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दुनिया के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें, जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कि वे अपनी देखभाल के तहत लोगों के संपूर्ण विकास के लिए काम कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी प्रकार के बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें, कि यीशु ख्रिस्त का दुख भोग तथा पुनरुत्थान उनके दुखों में सांत्वना प्रदान करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी मसीहों के लिए प्रार्थना करें, कि वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें, जिसको उन्होंने बपतिस्मा में प्राप्त किया है, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा बलिदान में उपस्थित हम सभी के लिए प्रार्थना करें, कि पास्का का यह उत्सव पास्का के संदेश को पूरे साहस एवं निर्भक्ता के साथ घोषित करने के लिए हम प्रेरित करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदन को इस वक्त प्रभु के चरणों तले रखें। विशेष रूप से जो महामारी फैल रही है उसके रोकथाम के लिए हम प्रार्थना करें। जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त उन सबको पुनर्जीवित करें जो इस महामारी की वजह से गुजर चुके हैं, और साथ ही साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त की पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की आशीष इस पृथ्वी पर बना रहे, और जल्द से जल्द इस पृथ्वी उस महामारी से दूर रहे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सब तो मुक्ति प्रदान करने के लिए अपने जीवन को अर्पित किए हैं, और आज पुनर्जीवित होकर हमारे लिए स्वर्ग द्वार खोल दिए हैं। उनसे हम प्रार्थना करें हमारे परिवार वालों के लिए, जो भी हमसे प्रार्थना की मांग की है उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन। आती है हम सभी तेरे भवन यीशु के संग कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं, जिससे
तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नवजन्म पाती और पुष्ट होती है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाएंगे। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये पूज्य पिता ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस दिन पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसीलिए हम सभी स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा तेरी, स्वर्ग महिमा तेरी, स्तुति दबराती पृथ्वी सारी, स्तुति दबराती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। हे परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसीलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरी मां, मैं करता हूं तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तू मेरा जीवन सर्वस्व जीवन दान दिया, इसे हम उनके
मनत घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के महिम मुक्ति प्रद दुख भोग प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवन तथा पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों संत योसेफ, संत फिदेलिस, संत मदर तेरेसा तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एल्बर्ट, सभी धर्माध्यक्षों याचकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हो, इस वक्त हमारे पल्ली के सभी लोग घर में हैं, उनके लिए और जो लोग बाहर हैं, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करें, अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन बंधुओं को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से दार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु और यीशु क्राइस्ट की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्राइस्ट ईश्वर में संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो इनके बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं सजनी हूँ, क्या लाए और एक शब्द के दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त तेरा ज्ञान की जीवन के सेवा की बना के क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अतः हम ईमानदारी और सच्चाई की बेखमे रोटी खाकर उत्सव मनाएं। आलेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अपार स्नेह से अपनी कलीसिया की रक्षा कर, पास्का रहस्यों से नवीन बनाकर वह पुनरुत्थान की ज्योति में पहुंच पाए, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विशेष आशीष के लिए हम आंख जोड़कर सर झुकाएं। अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर ने आप लोगों का त्राण किया और आप लोग को अपने पुत्र पुत्रियों बना लिया है। वह आप लोगों को अपने आनंद का वरदान भी दे। आमीन। मुक्तिदाता क्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है, वे आप लोगों को अनंत जीवन के सहभागी बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास के द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे। आप लोग इसी विश्वास के अनुसार जीवन बिताकर अपने राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु क्रिस्त की शांति साथ रहे। आलेलुया, आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद।
पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की आशीष और इस दिन की शुभकामनाएं। जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर, हर्ष गाइए उनके जय जयकार, हर्ष गाइए उनके जय जयकार, क्रूस में मरते हमें बचाने, जीवन प्यासा देवे हमारे, दिया है सबको जीवन अपना, किया है सबको हर्षित दिल का, जी उठे प्रभु विजयी बनकर, जी उठे प्रभु विजयी बनकर, हर्षित गाए उनके जय जयकार, हर्षित गाए उनके जय जयकार। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डालकर दूर से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, आकर हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, आकर हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, आकर हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, आकर हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, आकर हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, आकर हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, आकर हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, आकर हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, आकर हमारे मरने के समय आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो पापियों के लिए, आकर हमारे मरने के समय आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।